आए और हंसों से उतरकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। गोविंद आदि पुरुषम तमा अहम भजामि, हे गोविंद आदि पुरुष नारायण, हम आपका भजन करते हैं। ये अनंत ब्रह्माओं को देख करके ये चतुर्मुखी ब्रह्मा की हालत तो बेकार हो गई, घबरा उठे और गिड़गिड़ाने लगे और मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। भगवान ने सभी ब्रह्माओं की भगवान स्तुति की, ब्रह्माओं को जाने का आदेश दिया। कोई नहीं है इस समय, ब्रह्मा जी मूर्छित पड़े हैं चरणों में, चतुर्मुखी ब्रह्मा। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी उठो। ब्रह्मा जी को होश आया और उठे, हाथ जोड़े गिड़गड़ाते कांपते हुए, ये क्या, ये जो मैंने अभी देखा, ये विभिन्न ब्रह्मा और हजार लाख करोड़ों मुखों वाले, ये क्या सत्य है भगवान, ये मेरी आंखों का भ्रम है, ये भी मुझे बतला दीजिए, ये सत्य है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ये सत्य है, ये परम सत्य है, ये भौतिक सृष्टि में बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, जहां पर मुझे ब्रह्माओं की आवश्यकता होती है, सृष्टिकर्ता 84 लाख योनियों को रचने वाला ब्रह्मा, ये ब्रह्मांड जिसमें आप रह रहे हैं सबसे छोटा ब्रह्मांड है, इसमें मुझे चतुर्मुखी ब्रह्मा की ही आवश्यकता पड़ती है, तो आप हैं, बाकी और भी ब्रह्मांड है जहां कहीं मुझे 1000 मुख वाला, लाख मुख वाला और 10 लाख मुख वाला और 1 करोड़ मुख वाला भी ब्रह्मा चाहिए। ये विस्तार वाले ब्रह्मांड है, तो आप इसमें इतना शोक मत करिए। मैंने पूछवाया द्वारपाल से, वो ठीक ही पूछवाया कि कौन से ब्रह्मा है, क्या चतुर्मुखी या 100 मुखी या 1000 मुखी, तो आप इतने आग बबूला हो गए। तो ये ब्रह्मा जी ने बहुत पश्चाताप किया, गिड़गिड़ाए, प्रार्थना की कि मुझे मेरा अपराध, महान अपराध क्षमा कर दो। एक अपराध मैंने आपका जप किया था, जब आप 5 वर्ष की अवस्था में बछड़े चराने जाते थे वन के अंदर वृंदावन में, तब मैं आपके बछड़े और ग्वालों को चुरा के ले गया था, एक अपराध तो मैंने वो किया था, और ये और एक महान अपराध कर बैठा मैं, मुझे क्षमा कर दो। और मुझे क्यों ब्रह्मा के पद पर बिठाया है, वो रजोगुणी पद है, मुझे तो कोई कहीं छोटे मोटे घर में या पृथ्वी लोक पे जन्म दे दो, ब्रज के अंदर जन्म दे दो, कुछ नीच परिवार में भी जन्म दे दो, मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपसे अलग हो गया हूं, मुझे ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। भगवान तो सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी की इच्छा पूर्ण की है उन्होंने, वो अगली कथा आगे जाती है। लेकिन भगवान ने कहा कि ये कल्पादो विसर्जाम्यम, तो ये बार बार सृष्टि होती है, प्रलय होती है, ब्रह्म ज्योति है, अनंत वैकुंठ जगत है, परम धाम मेरा धाम, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको, मैं इनमें नहीं हूं, मैं अलग हूं इनसे, ये सब मेरी रचना है, फिर भी मैं इससे अलग हूं, मैं सब प्राणी मात्र के हृदय में हूं, फिर भी मैं उनके अंदर नहीं हूं, परमात्मा स्वरूप से मेरे अंश एक्सपेंशन पार्टली इनकार्नेशन विष्णु चिरदक्षाय विष्णु सब प्राणी मात्र के हृदय में है, मैं फिर भी अलग हूं, मेरी योग शक्ति तो देख अर्जुन, मेरा योगम ऐश्वर्यम, योग का ऐश्वर्य तो देख अर्जुन, अवजारंति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, ये मूर्ख लोग नहीं जानते जब मैं कि ये मेरा जो शरीर है ये लगता तो मनुष्य जैसा है,
कि मैं मनुष्य जैसे शरीर में रहता हूं, जैसा शरीर में मनुष्य है मैंने मनुष्य को भी ऐसा शरीर दिया जो मेरा खुद का शरीर है, फिर भी ये लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे नकारते हैं, मुझे नहीं जानने की कोशिश करते, इतनी मूर्छा में जीवन जीते हैं। अवजानंती माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम, क्यों? क्योंकि मैं मनुष्य जैसे शरीर में ही मैं भी रहता हूं। परम भाव अजान, मेरी सुप्रीम कॉन्शियसनेस, कोई है इस संसार में जिसकी भावना परम भावना हो, सुप्रीम कॉन्शियसनेस? या कॉन्शियसनेस, लोग तो कॉन्शियसनेस में भी नहीं है, अनकॉन्शियस जीवन जी रहे हैं, मूर्छा में जीवन जी रहे हैं, फिर सुप्रीम कॉन्शियसनेस कैसे हो सकती है? सुपर कॉन्शियसनेस भी नहीं है, सुपर कॉन्शियस में भी परमात्मा विष्णु आते हैं, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु। ब्रह्मा जी ने स्तुति की है भगवान की, चक्षुर एस सविता सकल ग्रहणम राजा समस्त सुर मूर्तिर अशेष तेज, यश आज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। चक्षुर एस, ये यूनिवर्सल भगवान का विराट स्वरूप है, ये ओरिजिनल स्वरूप नहीं है, मानुषम शरीर नहीं है, व्यक्तिगत रूप नहीं है, ये यूनिवर्सल फॉर्म है भगवान की, क्योंकि इसके अंदर भी तो भगवान विष्णु बैठे हैं, जैसे आपका शरीर है उसके अंदर आप खुद बैठे हैं, आपकी आत्मा के अंदर भी परमात्मा है, ये भी भगवान का ही क्षेत्र है, यहां भी भगवान है, तो फिर यूनिवर्स के अंदर भी भगवान है, यूनिवर्सल फॉर्म। भगवान कहते हैं कि जो सूर्य है ये मेरा एक नेत्र है इस विराट रूप के अंदर, इस सूर्य के सामने सारे देवता लोग सुरमूर्ति अशेष तेज, देवता लोग भी फीके पड़ जाते हैं, चंद्र तारे सब फीके पड़ जाते हैं, ये सारे ग्रह बृहस्पति शनि बुध बुध मंगल इत्यादि सब फीके पड़ जाते हैं, निस्तेज हो जाते हैं, ये मेरा एक नेत्र मात्र है यूनिवर्सल फॉर्म में, ऐसे अनंत यूनिवर्सल शरीर है भगवान के विराट स्वरूप, इनमें अनंत चक्षु हैं भगवान के। भगवान कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं कि हे गोविंद, आपके ये विराट स्वरूप के चक्षु, सूर्य के सामने ही सारे देवता फीके पड़ जाते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र फीके पड़ जाते हैं। ये चक्षुर एस सविता सकल ग्रहणम राजा समस्त, सारे राजा ब्रह्मांडों की सब फीके पड़ जाते हैं, राजा समस्त सुरमूर्तिर अशेष तेज, यश आज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो। और इसमें वास कर रहे भगवान विष्णु की आज्ञा से सारा काल चक्र घूम रहा है, सारा यूनिवर्स घूम रहा है सुचारू रूप से। हम जिंदा हैं, हमारा प्लानेट जिंदा है, उनकी इच्छा से समृत सर्वेंट की तरह कार्य कर रहा है सारा ब्रह्मांड अपनी स्थिति में रह करके। चक्षुर एस सविता सकल ग्रहणम राजा समस्त सुर मूर्तिर अशेष तेज,
यश आज्ञा भ्रमति संभृत कला चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। हे गोविंद, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको भजते हैं। ब्रह्मा कह रहे हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनु महाशिरतम परम भावम न जानन्तो, परम भाव अजानन्तो, नहीं जानते मेरी सुप्रीम कॉन्शियसनेस को, मेरी परम भावना को। ये मूर्ख लोग, ये मूर्छित लोग, ये अज्ञानी लोग नहीं जानते। कि मैं कौन हूं, मैं भी मनुष्य जैसे शरीर में रहता हूं, दो ही सुंदर मेरे हाथ हैं, दो पैर हैं, दो नेत्र हैं, शीश पर मोर मुकुट है, हाथों में मुरली है, जैसे मैक्सिकन लोग मुरली बजाते हैं, और भी अनेक मुरली बजाते हैं, उनके हाथ में भी मुरली है, उनके भी हाथों में 10 उंगलियां हैं, पांव में 10 उंगलियां हैं, सेम डिक्टो कॉपी, मनुष्य का शरीर है उनका, अपने शरीर के जैसा ही ये मनुष्य को शरीर दिया। खुश होकर के ये 84 लाख योनियों में होकर के निकल रहे हैं, अब इनको एक मेरा जैसा शरीर में प्रदान करूं। तो मूर्ख लोग इस बात को नहीं पहचानते और कहते हैं कि अरे ये कोई राजा के पुत्र होगा या कोई योगी पुरुष होगा, हम क्यों पूजा करें, हम क्यों उनका नाम जप करें। आए चले गए, कितने आए हैं कितने चले गए, राम हुआ, लक्ष्मण हुआ, कृष्ण हुआ, बलराम, ये सब राजाओं के बेटे रहे होंगे या कोई महान पुरुष रहे होंगे, अच्छे काम किए होंगे। ये भगवान कृष्ण के वाक्यों को मूर्ख लोग नहीं जानते कि भगवान क्या कह रहे हैं। और बहुत से कहेंगे कि नहीं वो निराकार है, बहुत से नहीं, तुम निराकार का भजन करो, तुम देवताओं का भजन पूजन करो, वो मना नहीं कर रहे, तुम भूत प्रेतों का पूजन करो, भगवान मना नहीं कर रहे, लेकिन भगवान की वाणी को भी तलवार लेके काट देने वाले मूर्ख लोग तैयार है। फिर कहते हैं कि हमने गीता पे भाष्य लिखा है, गीता पे, गीता की हमने कमेंट्री दी है, हम फिलोसफर हैं, हम डिग्री होल्डर हैं, कितने खिताब हमने जीते हैं, हम विद्वान हैं शास्त्रार्थ, शास्त्रों के हम इलाइटेंड हैं, प्रकाशमान हो गए हैं, हजारों लाखों हमारे शिष्य हैं, अब हम गीता पे कमेंट्री लिखेंगे, गुरुजी की कमेंट्री, झूठे गुरुओं की, आडंबरियों की, मूर्खों की, मूर्छितों की। ऐसे लोगों की व्याख्याओं की वैल्यू नहीं, बल्कि पॉइजन है वो गीता के अंदर। भगवान ने कितने सरल हृदय से सभी बात कही है हम सबसे, अर्जुन के माध्यम से। ये मूर्छित लोग मेरी परम भावना को नहीं पहचानते, मैं परमेश्वर हूं। परम भावना परमेश्वर के पास होती है और उस परमेश्वर से मिलना है तो उस भक्त को भी शुद्धतम भावना पर जाना पड़ता है, तब कहीं मिल पाता है। परम धाम में जाने वाले की भावना भी परम होनी चाहिए, इतना ऊंचा लेवल होना चाहिए, तब वहां पहुंच पाता है। भगवान के स्थान को तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन भगवान के चरणों में तो बैठ सकता है, भगवान को आलिंगन तो कर सकता है, भगवान से वार्तालाप तो कर सकता है, भगवान को जल अर्पण तो कर सकता है, कर सकता है। लेकिन मूर्छित लोग कैसे करेंगे, वो तो जानते ही नहीं अपने आप को भी कि हम कौन है। अपने आप को जान जाए तो जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि जीवरो स्वरूप है नित्य कृष्णदास,
इस जीव का स्वरूप नित्य कृष्ण का दास बने रहने में है, इसका ये असली स्वरूप है। और हम देखते हैं अपने रूप को शीशे में कि हम ये हैं, बड़े रूपवान हैं, ऐसी हमारी मूछे हैं, ऐसी दाढ़ियां हैं, चौड़े कान हैं। ये रूप नहीं है आपका, आप सोचेंगे मेरा हमारा रूप है, नहीं, ये तो शरीर का रूप है। आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, आपका स्वरूप तो सच्चिदानंद है, और सदैव कृष्ण का दास बना रहना आपका स्वरूप है, इससे अन्यथा नहीं। फिर बड़ी बड़ी डिग्रियां लो, फिलोसफर बनो या मनोवैज्ञानिक बनो, इससे भगवान समझ में नहीं आते, नहीं, उनके शास्त्रों पर श्रद्धा होनी चाहिए, उनकी वाणी में श्रद्धा होनी चाहिए। ये भागवत गीता एज इट इज 5300 वर्ष पहले भगवान की मुखारविंद से निकली, वो आज चली आ रही है। ये श्लोक जैसे थे वैसे के वैसे हैं, एक शब्द भी इधर से उधर हो नहीं सकता करेक्शन, क्योंकि कंठस्थ है, हजारों लाखों भगवान के भक्तों की कंठस्थ है, इसमें चेंजिंग नहीं कर सकता कोई, गड़बड़ नहीं कर सकता बदमाश आदमी, ये एज इट इज है, भगवान की वाणी है। भगवान कह रहे हैं कि अवजानंती माम मूढ़ा मानुषीम तनु आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम, मेरा ये श्री विग्रह शरीर जिसमें मैं द्वापर में भी था, ये महाईश्वर का शरीर है, ये भौतिक शरीर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यशोदा के आंगन में थे या द्वारकाधीश थे, तो उनका शरीर हमारा जैसा नहीं था, लगता तो हमारा जैसा था, मनुष्य का शरीर जैसा, लेकिन उनकी उनका शरीर विग्रह हमेशा स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक होता है, इसलिए वो सदैव 16 वर्ष के ही अवस्था में नजर आते थे द्वारकाधीश बनकर के, 125 वर्ष तक रहे, बाल लीलाएं भी करी, वो शरीर के अंदर तो बड़े क्वालिटीज है, गुण है, वो तो किसी भी रूप में रूप बना ले, वो शरीर आध्यात्मिक शरीर है, वो स्पिरिचुअल बॉडी है, बस ब्लड बॉन्स का नहीं है, लेकिन लगता है ऐसा कि हमारे जैसा ही है। नंद देवकी के पुत्र बने, नंद के घर पलते हैं, वेदों के ऋषियों ने कृष्णा बताए हैं, वही श्याम सुंदर कन्हैया कहाए हैं, गोविंद तेरी जय जय, गोपाल तेरी जय जय, हे बाके बिहारी नंदलाल तेरी जय जय, गोविंद तेरी जय जय, गोपाल तेरी जय जय। अवजानंती माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये मूर्छित लोग मुझे नहीं पहचानते, क्योंकि मैं इनके जैसे शरीर में, मनुष्य जैसे शरीर में ही रहता हूं, मेरा शरीर, मेरा ओरिजिनल रूप ग्वाले का है, और वो मनुष्य का शरीर है, ये भगवान का स्पिरिचुअल शरीर है, और परम रूपवान है, उनके रूप से किसी का रूप नहीं मिलता है, उनके नेत्रों से किसी के नेत्र नहीं मिलते हैं, उनके रंग से भी किसी का रंग, उनके शरीर के अंग प्रत्यंग और रंग ये बड़े अद्भुत हैं, इसलिए उनको यहां भी द्वापर में भी जो कोई भी देखता था वो मोहित हो जाता था उनकी तरफ, भक्ति भावना से ईर्ष्या जलन से देखते थे, वो उनके विरोधी हो जाते थे, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, कंस इत्यादि। जिन्होंने उनके रूप के दर्शन किए हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं, उनका जन्म सफल हो गया, वो उनके धाम के वासी बन गए, चाहे वो
युधिष्ठिर महाराज हों,